बेस्ट ऑफ लक मैम थैंक यू आपको, सर, ठीक है, जरूर लोग सपोर्ट करेंगे, हमने सपोर्ट सब्सक्राइब कर लिया मैम को। आप किसको आप प्रमोट करना चाहते हैं? मैं जो ब्लॉगिंग चैनल, अच्छा ब्लॉगिंग चैनल पे, अच्छा आई मोस्ट वेलकम। 1 2 3 आज आपके सामने रश्मि जी। रश्मि जी नमस्ते। 20,000 लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो 20,000 में से हमारा मकसद है कि एटलीस्ट 3 से 4% लोग सपोर्ट पहुंचे। लाइक आई थिंक ये सैमसंग फोन है, इतना हीट किया मेरा दिमाग खराब हो गया, जब इनको गंजे करवा दिया, गंजा करवा दिया हीट होने के बाद। छोटे भाई आपको खाना मैम से बनवाया मिला, लेकिन बनाया आपने, थैंक यू सो मच, आपने बनाया, खाना बहुत टेस्टी था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुड़ी अमरोहा दी। और जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हैं बाहर, तो ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जैसे कि वीडियो के टाइटल से और वीडियो की स्टार्टिंग में देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग गए थे होपडॉक्स स्टूडियो, तो उसी के लिए हम लोगों को ट्रेन पकड़नी थी अपनी, और हमारी ट्रेन है प्रयागराज एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हमारी ट्रेन थी 10:10 पर रात को। तो अभी हम लोग बस रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं और यहाँ से हमें अपनी ट्रेन ले है। कौन सा कोच है हमारा? अपर शायद 51। ये वाली अच्छी लगती है मुझको। और इस बार हम दोनों को ही ऊपर वाली सीट मिली थी, और ट्रेन चल चुकी थी तो टाइम हो गया था खाना खाने का, और मैं खाना घर से ही बनाकर लाई थी, आलू गोभी की सब्जी, पूरी और आम का अचार, मीठा अचार भी था आम का। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं अब अपनी सीट्स पे, और ये था हमारा सामान यहाँ पर, और ये देखिए छोटा सा तकिया है अनाया का, जो अंकित लेकर आए थे यूज़ करने के लिए ट्रेन में। तो देखिए कितना छोटा सा तकिया है ना यहाँ पर। और ये अब थोड़ी सी खाना खाने के बाद में कसर रह गई थी, वो थी कोल्ड ड्रिंक की, तो यहाँ पर लोग अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। और पूरी रात के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब अपनी डेस्टिनेशन पर, फतेहपुर कानपुर के पास। और देखिए कितना प्यारा मौसम है, सुबह के 4:45 बज रहे थे अभी, और ये आ गया फतेहपुर रेलवे स्टेशन। ट्रेन से उतरने के बाद मैंने सबसे पहले फ़ोन किया अल्तमाश भैया को, उनको बताया कि हम लोग पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, और अल्तमाश भैया खुद हमें रिसीव करने आए थे रेलवे स्टेशन पर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये है होपडॉक्स के किचन, और होपडॉक्स में पहुँचने के बाद ना बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती है। यहाँ पर मैंने खुद से खाना बनाया और सबको खिलाया। सुबह में जब हम लोग पहुंचे थे, जो सुबह की सबसे पहली चाय थी वो अल्तमाश भैया ने खुद हम लोगों को बनाकर पिलाई थी, और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था, और लंच में अरहर की दाल, चावल और चपाती बनाई थी। तो अभी मैंने बनाई है अरहर की दाल, चावल और सिक्योर रोटी। तो आप लोग भी जैसे यहाँ पे आएंगे तो खाना खुद बनाइए, खुद खाइए, सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, सबको भी खिलाइए, आप लोग भी खाइए। तो चलिए अभी हम लोग कर रहे हैं लंच की तैयारी। ये मेरी बनी हुई है यहाँ पे अरहर की दाल, ये इसमें चावल बना हुआ है, ये मेरे लिए तो चलिए मैं आप लोगों को विजिट कराती हूँ होपडॉक्स स्टूडियो, और चलिए देखते हैं होपडॉक्स स्टूडियो कि कैसा है और कैसे यहाँ पर वीडियो शूट होते हैं और कौन कौन यहाँ पर रहता है। और ये यहाँ से होती है एंट्री होपडॉक्स स्टूडियो में, और दरवाजे के पीछे यहाँ पर इन्वर्टर है। ये पूरा रूम बिल्कुल खाली है, यहाँ दीवार पर ये कुछ पोस्टर्स हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर का वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पे। और इस रूम के बाद यहाँ पर है ये हॉल, जहाँ पर ये 5-6 चेयर्स रखी हुई हैं, और ये यहाँ पर खड़े हैं अंकित। और ये जो सामने आप बंद दरवाज़ा देख रहे हैं, इस बंद दरवाजे में है पूरा होपडॉक्स स्टूडियो। और ये साइड में यहाँ पर है किचन, जहाँ पर सुबह सुबह अल्तमार सर ने हम लोगों को चाय बनाकर पिलाई थी, और उसके बाद फिर मैंने पोहा बनाया था जो अभी भी बचा हुआ रखा है। ये देखिए थोड़ा सा बच गया था, अल्तमार सर ने नहीं खाया था क्योंकि उनको जॉइंटिस हुआ था, और मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने दोपहर में लंच में बनाई थी अरहर की दाल, थोड़े से राइस और चपाती। तो ये देखिए प्रॉपर किचन भी है यहाँ पे, प्रॉपर सेट किया हुआ है सर, इतना सारा सामान लेके आए थे खाना बनाने के लिए। इस तरफ ये वॉश बेसिन है, और इधर ये एक दरवाज़ा है बालकनी में छोटा सा, चलिए क्या खोलूँ अब इसको। और ये वाला जो दरवाज़ा ये है वॉशरूम का। तो बस थोड़ी देर में अभी चलते हैं सामने वाले रूम में जो है होपडॉक्स स्टूडियो, और वहाँ पर मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी अंशु सर से और अल्तमार सर से, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस चलिए चलते हैं अंदर होपडॉक्स के स्टूडियो में। हेलो सर। हाय मैम, कैसे हैं? ये है अंशु सर, उधर है अल्तमार सर, और ये है अंकित।
तो बस अभी आपका इंटरव्यू शूट हुआ है मैम का। हाँ, मैं कुछ पोर्शन से पहले रिकॉर्ड कर ली थी, बाकी ये अभी अच्छा, बाद में रिकॉर्ड कर रहे हो। आज हम थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया है। हाँ, ये आप डाल सकते हैं होपटॉक स्टूडियो का न्यू सेटअप। हाँ, ये होपटॉक स्टूडियो का जो सेटअप है वो चेंज हो गया, पता है, जो पहले सेटअप था उससे ज्यादा। तो अब हम लोग क्या कुछ नया तरीके से ऐसे सामने, ये देखिए खुद अंशु सर दिखा रहे हैं आप लोगों को, बंदे आएंगे वो सामने होंगे, ये हमारा देखिए, ठीक है, हमारा बैकग्राउंड में होगा, ऐसे आमने सामने बैठ के हम लोग पॉडकास्ट की तरह से, जैसे न्यूज रिपोर्टर के हम लोग बात करेंगे। यस सर, आराम से ऐसे, ये देखो, ठीक है। हाँ, इससे थोड़ा सा एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, ऑडियंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अच्छा लगेगा, तो इस वजह से हमने थोड़ा ही चेंजमेंट करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 20,000 लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो 20,000 में से हमारा मकसद है कि एटलीस्ट 3-4% लोग सपोर्ट पहुंचे, है ना। 3,000 सब्सक्राइबर तो आपको दे जाए, 1,000 लोग तो सपोर्ट ही करें ना। नहीं, आज का नया सेटअप देख के बहुत अच्छा लगा, तो हमने तभी नई शुरुआत की है होप टॉक की, देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू सर, ठीक है, जरूर लोग सपोर्ट करेंगे, हमने सब बोलिए, सब लोग सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, बोलिए अल्तमास सर, सब्सक्राइब करिए मैम, सर के चैनल पे भी सब, मैम को जरूर, बहुत मेहनत कर रही हैं, लाइक आई थिंक ये सैमसंग फोन है ये। हाँ, सैमसंग है सर, मैं जान गया ना, क्योंकि आपने वहाँ से मोड जो है चेंज किया ना, ये सैमसंग का ही है, मैं इसको यूज करता हूँ। अच्छा, मैं सैमसंग ही ज्यादा पसंद करता हूँ, बीच में नहीं आता था, इतना हीट किया भाई को दे दिया मैंने, नहीं, हीट तो करता हूँ, बहुत हीट किया, मैं पागल हो गया, 29,000 का खरीदा था नोट 2, इतना हीट किया मेरा दिमाग खराब हो गया, गंजा करवा दिया, गंजा करवा दिया हीट होने के बाद। और बता, दोनों की आदत ना जस पूछिए मत, लग ही नहीं रहा कि अंशु सर टेक चैंपियन सपोर्ट से है और अल्तमास सर सुबह बेचारे हमें लेने भी आए स्टेशन से, ज्यादा सुबह चाय पिलाई सर ने हमें बना के, अल्तमास सर ने, छोटे भाई आप कैसा लगा यहाँ के खाना? बहुत अच्छा लगा, मिला सर खाना, मैम से बनवाया, मिला लेकिन बनाया आपने, थैंक यू सो मच, आपने बनाया क्या, हमने तो पहले कैसा लगा आप बताइए, खाना बहुत टेस्टी था, मुझे खाना बनाना नहीं आता, सब लोग जानता है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि हमने तो पहले बोल के रखा है कि जो लोग सक्षम है वो बनाएंगे। हाँ, वैसे हमारी हिम्मत नहीं होती क्योंकि हम खुद के लिए नहीं बना पाते। अच्छा, तो हम दूसरों को बना क्या खिलाएंगे। लेकिन सर एक बात बोलना चाहूँ, हाँ, यहाँ पहुँच के भी आप इतने डाउन टू अर्थ है ना, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पहुँच के क्या, जमीनी में तो रहेंगे, आसमान थोड़े उड़ेंगे, इंसान सर फिर भी 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी ना इंसान बात भी नहीं करता। अरे 50,000 स्टेशन से लेके आना और वहाँ पे आके चाय पिलाना, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते। मैंने क्या कहा, सब्सक्राइबर तो किसके हैं, और भी लोगों के हैं इतने सारे। हाँ, लेकिन वैल्यू कितनी है आपकी वो मैटर करता है। yes, आपके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए और आपको वैल्यू नहीं है तो क्या मुझे ना सर, सच बोलू ना, मुझे पता नहीं अभी इतनी जल्दी मेरे को कॉल आ जाएगा ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं कंटिन्यू कोशिश कर रही थी कि सर मेरे को कोशिश बुला लो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, और सबको भी सपोर्ट मिलेगा धीरे धीरे। अभी हम तभी थोड़ा सा रेस्ट करके वीडियो डाला, अभी बीच में कुछ बीमारियां भी चल रही थी इस वजह से हमने बंद कर दिया था, क्योंकि हमें भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब इसको हम चाह रहे हैं जितना और थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम फिर डेली एक वीडियो डालें, ऐसा नहीं है, अब अभी तो स्टार्टअप है, धीरे धीरे सब आएगा। हम चाहते कोई वीडियो जाते एटलीस्ट 2 दिन रहे तो अच्छा खासा व्यूज आए, अच्छा सपोर्ट मिले, इस वजह से 2-3 दिन गैप दे देते हैं, एक लगातार जाएंगी तो फिर, हाँ, तो फिर वो तो व्यूज में डाउन होगा ना, हाँ, कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, ये चीजें होती है। अभी चाहते हैं कि कुछ तो सपोर्ट मिले, लेकिन काफी अच्छे सब फॉलोवर्स हैं, आज आ चुके हैं होप टॉक पे 41,000, अगर 20,000 भी लोग देख लेते हैं बहुत होते हैं, है ना, 20,000 इकट्ठा एक ट्रैफिक देना, 20,000 एक प्रमोशन का चार्ज लोग लेते हैं, है ना, लेकिन हम लोग सारी चीजें दे रहे हैं, पोस्ट हाँ, कर रहे हैं, कुछ नहीं, खाने की व्यवस्था भी फ्री में है, खाने बस बना कोई, खाना नहीं, कोई नहीं करता ऐसे, खाना है बना के बस, आज के जमाने। तो गाइज आप लोगों ने देखा कितने डाउन टू अर्थ है अंशु मौर्य सर या अल्तमास सर, तो प्लीज वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।